हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का स्पोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 44 हमें दे रखा है। अ बकेट ओपन एट द टॉप इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन विद द कैपेसिटी ऑफ 12,308.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमारी इस तरह की कोई ओपन बकेट है जो ऊपर से खुली हुई है बट नीचे से क्लोज है, ठीक। इसकी कैपेसिटी यानी कि इसमें कितनी कोई चीज़ लिक्विड या सॉलिड में भरी जा सकती है, वो होगा हमारा 12,308.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द बकेट आर 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि इसकी जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस 20, नीचे की है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट, इसकी बकेट की वर्टिकली हाइट क्या है, ये हाइट हमें बतानी है। दूसरा, ऑल्सो द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड इट मेक इट, पाई की वैल्यू यूज़ करें 3.14, इसको बनाने में कितनी मेटल शीट लगी होगी वो भी हमें बताना है। देखो, हमारा जो फ्रस्टम है वो कुछ इस तरीके का है, बट ये मेरा ऊपर से मैंने क्लोज कर रखा, वो क्लोज नहीं है, ऊपर से ओपन है, ठीक। नीचे का सर्कुलर बेस है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। ऊपर वाले की मैंने यूज़ किया कैपिटल आर, ठीक, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ये जो इसकी वर्टिकल हाइट है ये हमें बतानी है। तो इसमें जो मेटल शीट लगी होगी हमारी वो कहाँ कहाँ लगी होगी, नीचे वाले बेस में लगी होगी यानी कि ये वाला सर्कल, और दूसरा जो रेड कलर का आपको पोर्शन नज़र आ रही है यहाँ लगी होगी। तो ये मैं ये बेस इसका नीचे वाला और रेड कलर का पोर्शन, ये एरिया भी निकालना होगा क्योंकि यहीं पर मेटल शीट लगी होगी। ऊपर से तो ये क्या है, ओपन है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया, बट मेरा यहाँ पर मैंने क्लोज करा हुआ, ठीक। तो शुरू करते क्वेश्चन को, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं, फ्रस्टम ऑफ कोन शेप बकेट, ऐसी हमारी बकेट है जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर और बेस रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। एंड इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये हमें गिवन है 12,308.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम गिवन है तो हम फॉर्मूला भी वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, 1/3 पाई एच ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर 12,308। देखो डेसिमल के बाद में एक नंबर है, डेसिमल को हटा लेते हैं, एक नंबर है तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ लिखा मैंने 1/3, पाई की वैल्यू 3.14, हाइट तो हमें निकालनी है कैपिटल आर 20, स्क्वायर दे रखा है इसलिए दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल आर 12, स्क्वायर दे रखा है इसलिए दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 20 इंटू 12, यहाँ की बना 12,30,88 यानी 1,23,088 डिवाइड बाई 10। सॉल्व करते हैं इसको, 3.14 इंटू एच डिवाइड बाई 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया 400, 12 12 ज़ा 144, 12 2 24, 240। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, प्लस करने पे मेरा आ जाएगा 3.14 इंटू एच 784 एंड डिवाइड बाय 3, यहाँ पे आ गया 1,23,088 डिवाइड बाय 10। अब देखो इसमें भी डेसिमल आ रहा है तो इसके भी डेसिमल को डाल लेंगे, डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, डेसिमल हट गया, एच को तो रहने दो यहीं पे ही, बाकी नंबरों को दूसरी तरफ ले चलते हैं, क्रॉस में चलेंगे, नीचे है तो ऊपर आएगा, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 784 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। देखो जीरो से जीरो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 784 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 157, ठीक। यहाँ लिखा है इक्वल टू 157 इनटू में 3, नीचे बचा 314, 157 × 157 = 314। ये आ गया, अब यहाँ पर मेरा 10 बचा होगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 में 2 का डिवाइड दिया तो ये आ गया मेरा 15, क्लियर है। ये मेरी होगी इसकी हाइट, हाइट आने के बाद निकालना है इसका सरफेस एरिया जो इसमें यूज़ हुआ मेटल शीट को बनाने में। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस स्लैंट हाइट की, जैसे कि ये हमारी होती है, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, जिसका जो फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का वो होता है। तो इसकी स्लैंट हाइट यानी कि एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस में कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वेयर, ठीक। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच में कितना दे रखा था, यहाँ पे हमने अभी भी निकाला था 15, यहाँ लिखा 15 का स्क्वायर, कैपिटल आर हमारा कितना 20 और ये 12, तो 20 माइनस 12 का स्क्वायर, 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया 225,
20 में से 12 गया कितना है 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 225 को और 64 दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 289, 289 का रूट होता है 17, तो यानी कि इसकी स्लैंट हाइट निकल के कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ मेटल शीट, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेटल शीट, हमारा मेटल कहाँ कहाँ लगेगा, इस रेड कलर वाले पोर्शन पे लगेगा, तो जिसका फॉर्मूला होगा पाई एल ब्रैकेट आर प्लस में आर प्लस में, इसके नीचे वाले सर्कुलर बेस पे लगेगा तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों में पाई आर है, पाई को ले लिया मैंने कॉमन, कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया एल, यहाँ पे आर प्लस आर ब्रैकेट पाई बाहर आ गया, यहाँ कितना बच गया आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू में दे रखी 3.14, एल हमने अभी भी निकाला कितना है 17, कैपिटल आर हमारा है 20 प्लस में 12, देखो जरा ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है मैंने मेंशन कर दिया है, प्लस में स्मॉल आर हमारा दे रखा है 12, स्क्वायर है इसलिए दो बार लिख देंगे इसको 3.14 17, दोनों को प्लस करेंगे 32, प्लस में 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144, 3.14 17 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 32 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 544 प्लस में 144, यहाँ पे 3.14, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे 8 8 एंड 6, बीच में निशान नहीं है मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारा आ जाएगा 2160.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी इसमें मेटल शीट का यूज़ होगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।